आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा दिल्ली के चांदनी चौक पर जो है एक मशाल मार्च निकाला जाना था। ये मार्च लाल किले से लेकर टाउन हॉल चांदनी चौक तक जाना था, लेकिन दिल्ली पुलिस के द्वारा इस प्रदर्शन की किसी भी तरीके से इजाजत नहीं दी गई। उससे साफ हो गया कि किस तरह से मोदी सरकार राहुल गांधी से, कांग्रेस पार्टी से डरी हुई है, और कांग्रेस पार्टी जो लगातार अडानी मामले को लेकर सवाल कर रही है, उन सभी सवालों से मोदी सरकार बचती हुई नजर आ रही है। ना तो मोदी सरकार के पास राहुल गांधी जी के और कांग्रेस पार्टी के सवालों का जवाब है, और ना ही भारतीय जनता पार्टी संसद में बोलने दे रही है, ना तो सड़कों पर बोलने दे रही है, जिसके चलते कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आज दिल्ली की सड़कों पर उतर आया है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ठान लिया है कि जब तक सरकार अडानी मांडे को लेकर कोई जवाब नहीं दे देती है, तब तक यह लड़ाई यूं ही देख सकते हैं। दिल्ली की सड़कों को जो है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जाम कर दिया है, और दिल्ली आज में बैठी सरकार को इसी प्रकार से सड़कों पर उतरेगा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से नारेबाजी हो रही है। तमाम कार्यकर्ता यहां पर इकट्ठा हुए हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी चल रही है। तमाम लोगों का क्या कहेंगे आप लोगों को गिरफ्तार किया गया? पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मशाल लेकर पहुंच गया है, और सरकार को यह साफ संदेश है कि सरकार को जो है अडानी जी के मामले पर जवाब देना होगा। नहीं जवाब देगी सरकार तो कांग्रेस पार्टी इसी तरीके से सड़कों पर उतरेगी, सरकार से सवाल करती रहेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, क्योंकि जिस चुप करा सकते हैं, लेकिन आप हमें सड़कों पर उतरने से, सड़कों पर बोलने से रोक नहीं सकते हैं। आप लोग सड़कों पर उतरे हैं, क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री कायर है, कायर है, कायर है। ये बात सुनना नहीं चाहते प्रधानमंत्री जी? हाँ, तो कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता जो है शांति व्यवस्था बनाए रखना चाहता है। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाह रहा था, लेकिन जो है दिल्ली पुलिस पहले तो परमिशन देती है, बाद में धारा 144 लगा देती है, और लोगों को बोलने से जो है सरकार से सवाल करने से लगातार रोका जा रहा है। तमाम देखिए महिलाओं को डिटेन किया जा रहा है, जनता की आवाज। देखिए तमाम लोगों को डिटेन किया जा रहा है जो भी सरकार से सवाल करेगा। आप लोगों को गिरफ्तार किया गया है, क्या कहेंगे? मैडम गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तार किया गया है। देखिए किस तरह से जो कांग्रेस के लोग हैं वहां पर पुलिस के द्वारा इनको गिरफ्तार करने की कोशिश हो रही है। सड़कों पर आप देख सकते हैं कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता जो है वो पहाड़ बनकर खड़ा हुआ है सरकार से सवाल करने के लिए। सरकार ना तो संसद में सवालों का जवाब दे रही है, और ना ही सड़क पर जो है लोगों को प्रदर्शन करने दे रही है। देखिए किस तरह से यहाँ पे लोगों को डिटेन किया जा रहा है, लोगों को यहाँ पर डिटेन किया जा रहा है, किसी को बोलने नहीं दिया जा रहा है। सरकार से अगर सवाल हो रहे हैं तो रोका जा रहा है, देख सकते। देखिए लोगों को यहाँ पे डिटेन कर पुलिस के द्वारा ले जाया जा रहा है। जो भी लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं पुलिस इनको रोक रही है, क्या कहेंगे? रोका जा रहा है प्रदर्शन करने से, गिरफ्तार किया जा रहा है आप लोगों को। देखिए तमाम लोग जो यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे, दिल्ली पुलिस के द्वारा इन सभी को गिरफ्तार करने की पूरी कोशिश हो रही है। आओ यार, क्या कहेंगे आप? गिरफ्तार किए जा रहे हैं, घसीट कर सांसदों को लिया जा रहा है। वो दिन कब आएगा जब मोदी को ऐसे घसीटा जाएगा, वो दिन देखना चाहता है। लेकिन सरकार से सवाल होता है तो संसद में भी बोलने नहीं दिया जा रहा। सरकार फेल। हाँ, कब तक संघर्ष करेंगे सड़कों पर? सरकार फेल, देखो है, संघर्ष जारी रहेगा। देखिए दिल्ली पुलिस ने अपनी बसों को लगा दिया है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोका जा रहा है। संसद से सड़क
कुछ नहीं है, अपील बोलना है। सर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी तो देखें यहाँ पे आप देख रहे हैं कांग्रेस सांसद शक्ति सिंह गोयल जी को भी हिरासत में लिया जा रहा है, गिरफ्तार कर रही है पुलिस के द्वारा, देखिए बोलने से भी रोका जा रहा है। कांग्रेस के सांसद हैं शक्ति सिंह गोयल जी, उनके साथ बिताना शाही रवैया पुलिस द्वारा रोक रही है। तो देख सकते हैं आप किस तरह से पुलिस के द्वारा रोका जा रहा है, सर बोलने भी नहीं दिया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है। देख सकते हैं कि किस तरह से एक सांसद के साथ दिल्ली पुलिस के द्वारा बदसलूकी की जा रही है। ना तो सदन में सवाल पूछने दिया जाएगा और ना ही दिल्ली की सड़कों पर आकर कांग्रेस का कार्यकर्ता सांसद सभी सम्माननीय लोग हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस किस तरह से बर्ताव कर रही है देख सकते हैं आप। कांग्रेस के एक सांसद के साथ जिस तरह से बर्ताव हो रहा है आप यहाँ पे तस्वीरों में देख सकते हैं। कांग्रेस के नेता क्या लग रहा है एक सांसद के साथ इस तरह से व्यवहार? सवाल पूछने, हाँ ये बताइए अडानी से क्यों डर रहे हैं मोदी जी? अडानी क्यों रहे हैं? हाँ माननीय सांसदों को पुलिस खींच रही है, क्या कहेंगे? हाँ अरे ना सदन में बोलने देंगे ना सड़कों पर बोलने देंगे, जनता कैसे आवाज उठाएगी? जनता सड़क पे आएगी, आवाज उठाएगी, आ रही है। बजा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के, नरेंद्र मोदी जी के लड़ाई के नजारे हैं। हाँ देख लो होने वाली है। वो सरकार जो है सवालों से डर गई, तो देख सकते हैं आप जो कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता है वो किस तरह से यहाँ पे सड़कों पर उतरा हुआ है और सरकार से सवाल कर कर युवा यहाँ से जाना चाह रहा है, क्योंकि सदन में रोका जा रहा है, यहाँ से रोका जा रहा है, रोका जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है। हाँ क्या लगता है आवाज भी ना उठाएं, सरकार से सवाल भी ना करें? सरकार से सवाल करने के लिए हाल हो रहा है। हाँ महिलाओं के कपड़े भाग गए। हाँ हाँ सांसदों के साथ भी गलत बर्ताव हो रहा है। हाँ क्या लग रहा है मोदी जी एक तरफ अडानी जी को पैसा दे रहे हैं और जनता सवाल कर रही है तो जवाब से भाग रहे हैं? हाँ हाँ तो देख सकते हैं दिल्ली की सड़कों पर जो जिस तरह से सरकार से जब सवाल कर रही है जनता, तो किस तरह से दिल्ली पुलिस के द्वारा लोगों को डिटेन किया जा रहा है, जो कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता है उसको किस तरह से यहां पे डिटेन किया जा रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं कांग्रेस के जो कार्यकर्ता आए थे प्रदर्शन में, शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा था, लेकिन पुलिस फिर भी इन लोगों को यहां से ले जा रही है डिटेन करने की कोशिश दिल्ली पुलिस के द्वारा। देख सकते हैं किस तरह से यहां पर दिल्ली के जो है चांदनी चौक की तस्वीरें हम आपको दिखा रही है, जो भी लोग यहां पर प्रदर्शन करने आए थे दिल्ली पुलिस के द्वारा उन सभी को यहां से डिटेन करने की कोशिश, तमाम माननीय सांसद कांग्रेस पार्टी के यहां पर आए हुए थे, लेकिन सभी सांसदों को दिल्ली पुलिस ने बर्बरता की उनके साथ, उसके बाद में यहां से कहा जो है निकाल दिया गया। ये बताइए सरकार से सवाल पूछना भी गुनाह हो गया है क्या? हाँ आप लोग तो शांतिपूर्ण तरीके से आए थे फिर भी क्यों पुलिस? समझ नहीं आता सर, समझ ही नहीं है कि कोई अगर ठीक है जो लोग भी आवाज उठा रहा है
इतिहास गवाह है। आज राहुल गांधी जी सदन में जब कहते हैं कि 20,000 से टैक्स का घोटाला कहाँ से हुआ, अडानी जवाब दे, तो मोदी का एक एक मंत्री, एक एक सांसद, एक एक विधायक बोलता है, राहुल जी के खिलाफ बोलने लगता है। रामायण गवाह है इस बात का कि रावण आया था साधु बनकर, रावण आया था साधु बनकर, मरीच आया था हिरण बनकर, काली निमोनी आया था ऋषि बनकर, और इस देश में अभी जो है ये चोर आया है चौकीदार बनकर। हाँ, क्या लग रहा है कि अगर मोदी जी से जनता के पैसे का हिसाब मांगा जा रहा है तो गलत किया जा रहा है क्या? जनता का मोदी जी क्या बोले थे? हाँ। कि जब हम आएंगे तो देश में काला धन वापस लेके आएंगे। हाँ। आज जब एक रिपोर्ट आई है उसमें बोलता है कि जितना भी बैलेंस था 2017 के बाद हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई डाटा नहीं है। तो कहाँ गया वो काला धन? जिस काला धन को लेके आप आए थे, जिस अच्छे दिन को लेके आप आए थे, जिस महंगाई को लेकर आए थे, आज आप लगातार हिंदू को मुस्लिम चला रहे हैं, दलित को प्रकाश से लड़ा रहे हैं, लगातार एक दूसरे से नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। आप देखिए पीएचडी की सीट, मैं जेएनयू का छात्र हूँ, पीएचडी की सीट जेएनयू में 1100 होती थी, आज उसको घटा के 194 कर दिया गया। लगातार शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान, नौजवान, मजदूर परेशान चल रहे हैं। क्या हो रहा है इस देश में? शांतिपूर्ण तरीके से कांग्रेस का देखिए कैमरा घुमाइए, एक एक कार्यकर्ता, एक एक विधायक, सांसद शांतिपूर्ण तरीके से जब प्रदर्शन कर रहा था तो दिल्ली पुलिस का द्वारा उसको डिटेन किया जाता है। उनके कपड़े फाड़े आते हैं, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। क्या महिलाओं के भी कपड़े फाड़े गए हैं क्या? महिलाओं को अरेस्ट करने के लिए पुरुष पुलिस को भेजा गया, वो लोग जबरन उनके छाती पर हाथ देते हैं, उनके कपड़े। तो आप क्या लोकतंत्र है? हाँ। ये जो निलंबन है, हाँ। लोग को ये लग रहा है, हाँ। ये निलंबन कर देंगे तो 24 लोग सरकार में आ जाएंगे। हाँ। तो मोदी जी सुन लीजिए, इससे पहले भी जब रावण का वध हुआ था ना, हाँ। तो राम को वनवास देना पड़ा था। हाँ। और ये निलंबन देश के मौजूदा राहुल गांधी जी का वनवास है। हाँ। और जब वनवास से ये लौट के आएंगे ना, आपका भी इसी तरह से देश और देश की एक एक राज्य से आपका, हाँ। और आपकी पार्टी का वध करेंगे। इतना क्यों डरने की जरूरत है मोदी जी को? अगर जनता सवाल कर रही है, पैसे का हिसाब मांग रही है, अडानी पर सवाल कर रही है, जनता से पूछा जा रहा है कि LIC का पैसा जो है मोदी जी ने अडानी को क्यों दे दिया, तो बताना चाहिए। हम लोग को नहीं समझ में आ रहा है। हाँ। जो पीएम तानाशाही कर रहे हैं क्या? तानाशाही हो रही है। देख के बात करेंगे। हाँ। तो पीएम कहता था, हाँ। 56 इंच का छाती है। हाँ। अभी तो हमको लगता है कि 56 इंच का छाती है, अब आदमी यदि हती है, हाँ। 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 झूठ बोलता है। हाँ। पिछले 9 साल में क्या किया है? झूठ बोल झूठ बोलकर जीना है, लंबी लंबी फेंकना है, झूठ बोलकर जीना है। पिछले 9 साल से लगातार महंगाई का डाटा छुपा रहा है, बेरोजगारी का डाटा छुपा रहा है। अभी सिर्फ एक छोटा सा सवाल था, 20,000 जो आप अडानी को दिए हैं, क्यों दिए हैं, काहे दिए हैं, उसका आप जवाब दीजिए। राहुल जी को सरस्तर हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे, विपक्ष की पार्टियों को कहना चाहेंगे कि आप देख लीजिए, जब देश के शहीद के बाप प्रधानमंत्री रहा, दादी प्रधानमंत्री रही, राणा प्रधानमंत्री रहे, उसके उसके नवासे को, उसके परिवार के लोग को, जो मजबूत विपक्ष है उसको जब इस तरह से निलंबित किया जा सकता है, तो आपको किस तरह से कीड़ा गाजर मूली की तरह काट के फेंक दिया जाएगा? ये लोग वन नेशन, वन पीएम, वन पार्लियामेंट, वन अडानी बनाना चाहते। अरे महंगाई कम करने आए थे, दुहाई बड़ी बड़ी दे रहे थे, लेकिन ये तो तानाशाह बन गए, लोकतंत्र को ही खत्म करने पर तुल गए। लोकतंत्र को खत्म करने पर इससे ज्यादा लोकतंत्र और क्या है? पुलिस खड़ी है देश में, तो ही चीज गिर रहा है, एक मोदी की निचदा और दूसरा डॉलर के बदले आदमी का रुपया लगातार गिर रहा है। जैसे जैसे रुपया गिर रहा है, वैसे वैसे मोदी की और प्रधानमंत्री पद की गरिमा भी गिर रही है। आप देख सकते हैं कि महंगाई कितनी चरम सीमा पर है। देखिए पेट्रोल पंप में 60 रुपए में पेट्रोल लेता था, आज इसी पेट्रोल पंप में 110 रुपए में पेट्रोल। देखिए दिमाग में पेट्रोल के जगह हिंदू मुस्लिम नफरत घोल घोल। कहाँ से आए हैं आप? मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ। ये बताइए, दिल्ली की सड़कों पर अगर लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करना चाह रहे हैं, सरकार से सवाल करना चाह रहे हैं, क्यों डर रही है सरकार? अपने ही कर्मों, जो अपने ही काम है, इनसे ही भयभीत है। हाँ। इसे सच्चाई बताने में डर लगता है। हाँ। और ये जो है, ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे तमाम लोग जो है अभी भी इकट्ठा हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने पूरी कोशिश की कि इन सभी को यहाँ से जो है हटाया जाए, भगाया जाए, लेकिन फिर भी जो कांग्रेस के जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर डटे रहे और लगातार सरकार से सवाल कर रहे हैं, लेकिन फिर
भी सरकार जो है सवालों से भागती हुई नजर आ रही है। दिल्ली पुलिस का इस्तेमाल किया गया है। ये बताइए, आप लोग तो महिला हैं, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने आई थी, फिर भी दिल्ली पुलिस आप लोगों के साथ बर्बरता कर रही है, क्या कहेंगे? मैंने पूरा शीशा तोड़ दिया। संसद में भी नहीं बोलने देना है, सड़कों पे भी नहीं बोलना है, सरकार क्या चाहती है? तानाशाही लागू कर देना। महिलाओं के साथ भी बर्बरता हुई है, कौन सा संविधान मानते हैं ये लोग? क्यों बौखला गई सरकार अडानी जी की वजह से? सरकार इसलिए बौखला गई कि राहुल जी बार-बार अडानी जी पर बार-बार मुद्दा उठा रहे थे, वो जो तरीके से लगे हुए थे उसको करने में, इसलिए इन लोगों ने ये सब प्रोपेगेंडा। कब तक सड़कों पर डटे रहेंगे आप? किस तरह सड़कों पर कांग्रेस पार्टी तब तक सड़कों पर रहेगी जब तक ये रहेगी, तब तक ये लोग अपनी ये घटिया हरकतों को बंद नहीं करते हैं। राहुल जी के साथ किया है ठीक है, तो देखिए तमाम लोग अभी भी मौजूद हैं, हालांकि जो सांसद थे कांग्रेस के तमाम माननीय सांसद उनको दिल्ली पुलिस ने डिटेन करने की कोशिश की, तमाम सांसदों को डिटेन भी किया गया, उसके बाद जो है जो कार्यकर्ता थे उनको भी दिल्ली पुलिस ने डिटेन किया। अभी भी मैं अगर आपको चांदनी चौक के जो तस्वीरें दिखाऊं तो आपको तमाम यहां पर महिला पुलिसकर्मी दिखाई देंगी, तमाम सीआरपीएफ के जो है महिला सिपाही कर्मी दिखाई देंगी, तमाम लोग जो है अभी भी पुलिस के कर्मी डटे हुए हैं। किसी भी कीमत पर पुलिस नहीं चाहती है कि कांग्रेस सड़कों पर आए, देश के मुद्दों की असली आवाज उठाए। इससे साफ होता है कि जो है सरकार कहीं ना कहीं डरी हुई नजर आ रही है, पुलिस का इस्तेमाल कर रही है। और जिस तरह से कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता अपने हर एक भाषण में कहता है कि जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, ये तस्वीरें जिस तरह से आज हम सभी लोगों ने देखी उससे साफ हो गया कि सरकार पुलिस को आगे करके खुद बचना चाहती है।